साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोभ चौधरी। साथियों एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, क्योंकि भलाई का जमाना वैसे रहा नहीं है भाई। 450 वीडियो हैं मेरे, टोटल वीडियो मेरे मोटिवेशनल हैं। अगर थोड़े बहुत वीडियो छोड़े जाएं, जो वो भी मैंने आपके बहकावों में आपकी बातों में आके मैंने वीडियो बनाए लोगों के कि भाई आपको जॉब मिल जाए, आप ही फिर मेरी वाट लगाते हो कमेंट कर करके अशोक फ्रॉड है, अशोक ने वहाँ अरे क्या कर दिया भाई, किससे पैसे ले लिए, गुस्सा आता है तो भैया फिर गालियां निकालने को जी करता है, समझ गए आपको। तो आज एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाह रहा हूँ आपको कि काफ़ी टाइम से 15-20-25 दिन से मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं। कॉल तो मेरा फ़ोन तो बंद है तो कॉल तो आ नहीं सकते। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं रशिया से रिलेटेड और जापान से रिलेटेड। कुछ पता नहीं कहाँ से कौन एजेंट, मुझे नहीं पता इस बात का, और मैं इन चीज़ों पे जाना भी नहीं चाहता, किसी एजेंट का मैं नाम लेना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि एक मारवाड़ी में हमारे राजस्थान में कहावत है कि बड़े बड़े गाँव जाऊँ, समझ गए, बड़े बड़े लाड्डू खाऊं, उसके चक्कर में बंदा भूखा रह जाता है, क्योंकि बड़ा लाड्डू उसको मिलता नहीं है और ऐसे उसका पेट भरता नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आपकी कैपेसिटी है विदेश, जापान और रशिया बढ़िया कंट्री जाने की, यूरोप कंट्री में जाने की है आपकी औकात? अरे भाई, इंडिया में लगभग 150 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन होने वाली है, और उसमें से आपको लगता है अगर क्या मानते हैं 20-30% तो हाई स्किल के लोग हो गए इंडिया में, 30% तो हाई स्किल, अच्छे पढ़े लिखे, डिप्लोमा, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना, पैसों की कोई कमी नहीं है, वो विदेश जाना चाहते हैं, लाइन लगा के खड़े हैं लोग 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए लेके कि हमारा काम करवा दो, एक नंबर में हम पैसा देंगे, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं होता। और आप लोगों को शर्म नहीं आती 50-50, 70-70, 80-80 हजार रुपए में आप जापान जा रहे हो, आप रशिया जा रहे हो, फिर लोग बोलते ठगे गए, है ना। आप मेरे ऊपर चढ़ाई कर लो कि अशोक ने ठग लिया, मैंने गलती ये कर दी, वीडियो बनाए लोगों, मैंने तो आपके फायदे के लिए वीडियो बनाए कि आपको जॉब मिल जाए, ठीक है, बंदा जानकार है आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा, वो तो आपको बुरा लगता है। और जहाँ पे आप है ना, जो बंदे ऐड देख लिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे और अखबार में, वहां जा रहे हो 10,000 मेडिकल करवा रहे हो, जापान के रशिया के करवा रहे हो, मुंह पे शर्म तो आपको है नहीं, ठगवा लेते हो, ठीक है। फिर मुझे कमेंट, मेरे पास कमेंट आते हैं आप लोगों के, भाई मैं तो क्लियर बोलूंगा, आपको बुरा लगे तो वीडियो छोड़ के आप जा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे आपके भरोसे नहीं बैठा कि आप मेरा वीडियो देखोगे तो मैं कमाई होगी। आपको पता है मैं यूट्यूब से कुछ नहीं कमाता, फ्री फोकट की सलाह है, आपको अच्छी लगे तो ले लो, वरना कोई बात नहीं छोड़ दो। अरे थोड़ी बहुत शर्म करो, जापान का भी एक प्रोसेस चल रहा है, 70,000 में आपको जापान भेज रहा है, 30-40 हजार तो वीजा के लगते हैं, 35-40 हजार के टिकट के लगते हैं, 70-80 हजार तो ये हो गए। साला कौन सा एजेंट अपनी ऐसी तैसी करवा के अंबानी की औलाद है कि वो आपको भेज देगा, लेकिन फिर भी आप उनके पास जाते हो, है ना। और 500 रुपए नहीं देने, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, वो गलत हो जाएगा, 500 रुपए में तो अपन बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे हो बात को। एजेंट के पास आते हो, पासपोर्ट रख लेते हो, कुछ नहीं लेता आपसे वो, पहले पासपोर्ट रख लेता है, काम है, प्रोसेसिंग फाइल 1,100-2,000 दे दो मुझे, ठीक है, वो आपने दे दिए, फिर फोन आता है आपका सिलेक्शन हो गया, आपका ऑफर लेटर आ गया, साइन कर दो इस पे, 10,000 दे दो, 15,000, 20,000 आप ठगवा लेते हो ना, 6 महीने तक आपको घुमा के रखता है, फिर आपको समझ में आता है कि अपने साथ चीटिंग हो गई, 70,000 रुपये जापान जाते हो। अरे दुबई के 80,000 में मैंने वीडियो बनाए थे गुरमीत जी के, वो तो आपको ज्यादा लग रहे हैं, और जापान पहुंच जाओगे 70,000 में, अफसोस होता है यार मुझे आपकी सोच पे, है ना। अरे फिर आप लोग बोलते हो हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ठग लिए गए, लेकिन जमाना भी यही है, सच बोलोगे ना उसके पास लोग कोई नहीं जाएगा, झूठ बोलेंगे उसके पास लोग लाइन लगा के जाएंगे, ये 100% मेरी बात है, आप कान खोल के सुन लेना। जब ज्यादा श्याणपति दिखाते हैं ना कमेंट में, खास तौर से उनको ये बात बोल रहा हूं, और मेरे कमेंट निगेटिव वो करते हैं, या तो वो फोकट में राय लेना चाहते हैं 500 रुपए की, उसकी हिम्मत नहीं है देने की, वो फिर निगेटिव कमेंट करते हैं, उनको आंसर नहीं मिलता तो, ठीक है, या फिर एजेंट होते हैं, समझ गए बात को, उनको जलन होती है कि यार ये क्यों 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 बकवास कर रहा है, अपना धंधा क्यों चौपट, क्यों ऐसी की तैसी कर रहा है यार, मैं तो इस लाइन पे आया नहीं अभी कि एजेंटों की मैं फोन कॉल वॉल खोलना स्टार्ट कर दूं, वरना एक एक एजेंट की वाट लगा दूंगा मैं, जिस दिन दिमाग फिरा ना मेरा, समझ लो अपने आप को तरीके से, क्योंकि जब तक मैं सही हूं ना, गर्दन कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मुझे जेल भिजवा देना, समझ में आ गई बात आपको। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जापान रशिया के चक्कर में मत पड़ो भाई, अपनी औकात नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग कैटेगरी का बंदा होना जरूरी है। जापान क्या है, जापान, जापान जाने के लिए वो कोर्स का मुझे नाम अभी याद नहीं है, कोर्स करना पड़ता है इंग्लिश में, ठीक है, उसके उसका डिग्री होना चाहिए, बहुत लंबा प्रोसेस है, 4 महीने लग जाते, 4-5-6 महीने लग जाते हैं, काम नहीं होता यार, कहाँ काम है, जापान लोग लाइन नहीं लगा देंगे यार जापान जाने की,
अरे मूर्ख इंसान, मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास बैठे हैं 50 बंदे जापान जाने वाले, 8-8 लाख रुपए देंगे, केस गिनो केस। हिम्मत है तो कोई संपर्क कर लेना मेरे से, मैं दिलवाऊंगा। मेरे गांव के आदमी है, मेरे सीकर जिले के। कहाँ काम है मूर्ख इंसान, समझ लो। यहाँ नीचे कमेंट करते हुए जोर नहीं आता आपको, सच्चाई का सामना करो। रशिया जापान के चक्कर में मत पड़ना, बर्बाद हो जाओगे। अपनी जैसी कैपेसिटी है ना, अपने घर को देख लो पीछे की, अपना घर कैसा है, समझ गए? वैसे उसी देश के अनुसार जाओ, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, 20-25 हजार की नौकरी कर लो, फायदे में रहेगा। ठीक है ना भाई, मैं तो ऐसे ही बोल दिया मैंने, अगर आपको बुरा लगा तो भाई लगेगा, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपको, समझ गए बात को। और कोई बात हो तो कमेंट कर दीजिए, आंसर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें उन लोगों को जो जापान रशिया जाने की सोच रहे हैं, ताकि थोड़ा बहुत उनको मुंह पे शर्म आ जाए तो वो बच जाएं। गरीब इंसान मर जाएंगे, खेत गुआड़ी जमीन सब बिक जाएगी उनको, कुछ नहीं होना वाला। एजेंट जो उनका पता होता है, उनका टारगेट होता है इतने पैसे, अपने को 5 करोड़ रुपए लेके फरार होना है, तो वो फिर ऐसे आप लोगों को, है ना, वो देखा है कोई क्या क्या बोलते हैं, शेर को शिकार करने के लिए क्या करना पड़ता है, छोटी सी एक बकरी होती है ना, छोटा जानवर उसके सामने रख दो, शिकार शेर आ जाता है उसको खाने के लिए, फिर उसको गोली शूट कर देते हैं। बड़े शिकार को मारने के लिए छोटा लालच, जापान जाने के लिए 50-60-70 हजार रुपए, समझ गए आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज इसी तरह के, अब ऐसी ऐसी वीडियो बनाऊंगा भाई मैं तो, जिसको बुरा लगे लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जय हिंद।